नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 28/10/2018 को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है, जिसका हम आपको जनरल स्टडी का पेपर वन जो है इसका आंसर की आपको बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और आप अपने सेट से मिलाते रहिएगा। ये जो सेट है ये जो है डी सेट है, ये डी सीरीज है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मित्रों दिया है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ये कथन है, स्टेटमेंट ये दिया गया है और रीजन में दिया गया है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, ठीक है। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो अगर कारण जो दिया गया है इसका सही व्याख्या की बात करेंगे तो इससे इसके व्याख्या से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें जो है आपका आंसर बी होगा, ठीक है, आपका आंसर बी माना जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया, पुष्यमित्र सुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो है अयोध्या लेख से ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, अयोध्या लेख। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो हाथी गुम्फा लेख में भी कुछ डाउट है, ठीक है, लेकिन आप अभी फिलहाल अयोध्या लेख मान के चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं है, इसलिए हम आपको इसको आंसर नहीं बता पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें चौथ आपका सही होगा, ठीक है, इसमें चौथ होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये माहम अनगा, ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, माहम अनगा। अगला क्वेश्चन है, ये इसमें आपको सुमिलित करना है, तो लियाकत अली सुमिलित नहीं जो है वो आंसर आपको देना है, ठीक है। तो लखनऊ लियाकत अली से संबंधित नहीं था, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपका शासक और रियासत से जो है कि इसको मिलान कराना है, ठीक है। तो इसका इसका देखिए इसका भी हमको डाउट लग रहा है, तो इसलिए हम आपको सही आंसर नहीं बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ज़्यादा नहीं, दो चार दस क्वेश्चन ऐसे जो डाउट में है उसको हम आपको नहीं, लेकिन जो एग्जैक्ट क्लियर है मैं उसको ही बताऊँगा, ठीक है। दो चार दस क्वेश्चन ऐसे जो डाउट है वो नहीं मैं बता पाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा, ठीक है। सबसे पहले जो है मोहम्मद शाह होगा, फिर उसके बाद आलमगीर होगा, और उसके बाद अहमद शाह, और आपका बी लास्ट में बन जाएगा, ठीक है, जहांदार शाह। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये जो है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गुजरात ही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है, तो यमुना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर, ठीक है, तो ये तिरुपति का जावादी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किस का विस्तार है, तो ये पैलियोसीन होगा, ठीक है, पैलियोसीन कालखंड की बात है, इसमें मरुस्थलों का निर्माण हुआ है जिसमें राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल थे, ठीक है। तो भारत की अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो गोदावरी कावरी और कबाम ये सब निकलती हैं, और ताप्ती ये नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसमें नीदरलैंड और डेनमार्क में कन्फ्यूजन है, यही ए और सी में से कोई होगा आप जो है आपका। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपका सही आंसर श्रावस्ती होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न देशों में उत्पादित सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा, ठीक है, तो ये आपका डी आंसर सही होगा, अंगूर, ठीक है, अंगूर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये केरल है।
और अगला क्वेश्चन है, ये आपको जो है सबसे ऊंची चोटी और राज्य से सुमेलित करना है। तो इसमें न जो है आप उत्तराखंड नंदा देवी का जो है पकड़ के, जो है सिंपल है सी का दो, ठीक है, मिला लीजिए। और इस तरह से आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, तो इसका मतलब जो ए है, देखिए केरल, केरल को अनामोली से मिला दीजिए, ठीक है। और नागालैंड को, नागालैंड में जो है कौन सा है, ये आपका सारामती है, ठीक है। और उसके बाद उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दुद्दाबेट्टा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो अग्रणी उत्पादक चिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, जनगणना से ये हमेशा आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? हरियाणा होगा। और ये भी जनगणना से ही क्वेश्चन है, जनगणना से दिया है कि ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है आपको कालक्रम में सेट करना है। तो अगर कालक्रम में देखेंगे तो सबसे पहले, ठीक है, सब कालक्रम में देखेंगे तो सबसे पहले कीट हुए हैं, फिर उसके बाद जो है कवच वाले जीव, फिर उसके बाद जो है सरसृप, और लास्ट में स्तनधारी आएगा। तो इस तरह से आपका सही आंसर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में जनसंख्या के सूखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत, ठीक है। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका जो है अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बन गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में प्रथम स्थान पर है? तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, भारत में, उसके बाद तब यूपी आता है, भारत में प्रत्यक्ष कर जो है डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स इसमें कौन है, आयकर माने इनकम टैक्स। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, ओके, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स किसके लिए है? तो हेल्थ के लिए है। अगला, ये सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, ठीक है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही होगा, 35 होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है, तो ये स्मॉग, स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो जैव प्रजाति विविधता की बात करेंगे तो पारिस्थितिक प्रजाति विविधता जो सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन माने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट से प्राप्त नहीं होता है? तो ये मोती, डी ऑप्शन आपका सही होगा, मोती, ठीक है, सीप, सॉरी, ये मोती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसीबल प्रदर्शित करता है? तो जो है कि देखिए, ये जब वृक्ष के पत्तों की सरसराहट हम लोग सुन लेते हैं, चूंकि 20 से 20 हजार 20 डेसीबल, सॉरी, जो 20 डेसीबल की है, ये सुनने योग्य ध्वनि होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर इसका आंसर आप, अगर आप एक लॉजिकली भी अगर लगाएंगे तो 20 डेसीबल सही हो जाएगा, ठीक है, 20 डेसीबल। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 पेरिस, बहुत बार पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई है, ठीक है, तो इसमें भी हमको डाउट है इसलिए नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये सागरी होगा, ठीक है, इसका आंसर सागरी होगा, ये ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, इंसिनरेटर क्या है, ठीक है, इंसिनरेटर जो है ये आपका जो है
पुटिंग वेस्टेज के लिए है, ठीक है, कूड़ा कचरा को इनमें रखने, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव क्या है, तो ये वैश्विक ताप में वृद्धि के लिए होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज के लिए है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, तो ये मेथेन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए है, तो इसमें डिक्लोफिनेकियन होगा, ठीक है। और चूंकि पशुओं को यही दिया जाता है दर्द निवारक के रूप में, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक, ठीक है, ये तो चीन ही रहा है। अगला क्वेश्चन है इसमें से प्राकृतिक आपदाएं मतलब कथन सही जो है आपको निकालना है, और उसका जो है तो प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, ये सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, ठीक है, ये भी आपका सही है। भारत आपदा युक्त, यहाँ पे देखिए इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन में देखेंगे तो इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री, ठीक है, तो फ्री कंट्री ही आंसर ये माना जाएगा, तो लेकिन इसमें ऑप्शन में ये नहीं होगा, ठीक है। मैनग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका आंसर तो सी ही बनेगा, लेकिन ये जो आपका हिंदी वर्जन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ये इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री, ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन से देखेंगे तो इस तरह से सही हो जाएगा, 1, 2, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो ये प्रकाश का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रेफीन क्या है, तो ये नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ठीक है, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का वेग, ठीक है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो अधिकतम ठोस माने इस्पात में होगा, ठीक है, इस्पात में होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है, ठीक है, तो पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होगा, ठीक है, ये आपका आंसर डी सही होगा। ए वी फिस्ट्री आप जानते हैं, ये तो हॉकिंग का ही है, स्टीफन हॉकिंग का है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत, ठीक है, तो विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत अगर देखा जाए तो विटामिन सी पपीता में होता है, लेकिन पपीता इसमें ऑप्शन नहीं बनाया है, और उसके बाद खट्टे फलों में होता है, तो खट्टे फलों की अगर बात करेंगे तो इसमें आंवला आंवला होगा, ठीक है, आंवला होगा, लेकिन संतरा पे भी कुछ मतलब देखिए आयोग क्या बनाता है, इसे आंवला को मानना चाहिए उसको। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो ये मंगल, ठीक है, आपका आंसर ए सही होगा। आइंस्टाइन को जो है नोबेल किस के सिद्धांत के दिया गया है, तो ये थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ये ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी प्रकाश वैद्युत के सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, तो आप जानते हैं वो तो सोलर एनर्जी ही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसमें तीनों सही होगा, सोशलिस्ट और लिबरल और उसके बाद गांधीयन, ठीक है, ये तीनों सही होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है, तो ये योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन से हैं, संजय बारू, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। चलिए भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर बात करेंगे तो इसमें 24 जनवरी 1950 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, तो विधान परिषद को, ये करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन, अगर अभी करंट में इसका मुद्दा छिड़ा हुआ था तो ये विधान परिषद होगा। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किए गए हैं, ठीक है, ये 1985 ए सही होगा। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो इसमें 20 हो सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा में कुल कितनी टीम है? तो 32 टीमों ने भाग लिया था, ए ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें से रामायण सर्किट जो है 11 मई 2018, ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले ये नेपाल श्रीलंका दोनों में जोड़ने की बात है, लेकिन नेपाल में जनकपुर की में जो है जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जो है यात्रा किए थे, तो उसी समय ये रामायण सर्किट नेपाल से जो है वहाँ पे इनका वो किया है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो ये 15 15 जगहों पे जो है इस सर्किट में 15 राम से स्थल संबंधित स्थल पे जो है किए गए हैं, 15 स्थल हैं जो कि भारत में। और जो है कि भारत से अगर बाहर की बात करेंगे तो श्रीलंका और आगे चल के नेपाल को भी इससे जोड़ा जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो बस्ती आपका आंसर सही होगा, इसे बस्ती से नहीं गुजरेगा। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक, सूचकांक ई गवर्नमेंट का कितना है? 96 है, ठीक है, 96 माने सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपा वायरस, तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, करंट में जो है कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है कि अगर देखें जाए तो जो है कि हमेशा ये चर्चा में रहा है, तो केरल आपका सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, ये तो दिल्ली होगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। शांति सूचकांक की बात करेंगे तो 136वां है, ये ऑप्शन सही होगा। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, ये वाराणसी में जो है मनाया गया है, ठीक है, आयोजित किया गया है। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम MSP अगर देखेंगे तो धान का जो है 1550, अगर धान ये सामान्य की बात है, अगर धान ग्रेड ए अगर होगा, धान ग्रेड ए तो 1590 होगा, लेकिन ये ग्रेड ए नहीं पूछा है, तो ये 1550 आपका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जो है, पाकिस्तान का संसदीय चुनाव किसने जीता? तो इमरान खान, ठीक है, जिसमें कि जो है ये इमरान खान जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उसमें जो है भारत से 2 लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 के मैक्सेस पुरस्कार जीता है? तो भारत वाटवानी सोनम वांगचुक दोनों है, ठीक है, उपरोक्त ए बी दोनों है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा। शुक्ल यजुर्वेद वाजसेनी संहिता से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और कारण दिया है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो दोनों ये दोनों सही है, कारण भी सही है, ए ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में बैठाना है, तो सबसे पहले जो है सप्त पैगोडा को ले लेंगे, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन डी में ही मिल जा रहा है, तो चौथा सही सही होगा इसका। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, ठीक है, कथन कारण दोनों दिया है, ठीक है, तो इसमें आपका बी आंसर सही हो सकता है जो है, लेकिन थोड़ा सा डाउट इसमें बन रहा है, देखिए आयोग इसको कौन सा मानता है। निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण? तो ये बागौर है, ठीक है, ये इसका बागौर होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन, अदीना मस्जिद मांडू ये जो है सुमेलित नहीं है और तीनों सुमेलित हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो जो इसने सी ऑप्शन दिया है, रसिक प्रिया जो है रशखान की, तो ये नहीं उनकी नहीं है, ये केशव दास की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालक्रम अनुक्रम में बैठाना है, तो इसमें सबसे पहले जो है वुड का घोषणा, चार्ल्स वुड का घोषणा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद हंटर आयोग आएगा, फिर उसके बाद सैडलर होगा, तब उसके बाद सार्जेंट योजना होगा, तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही होगा। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो अहोम विद्रोह सुमेलित नहीं होगा, ठीक है, और सब तीनों सुमेलित है ऊपर के। निम्नलिखित कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो जोंग गढ़सोप्पा जो है ये सही होगा। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ठीक है, थार्नथ्वेट है, ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना, ये
काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। चलिए ये भी देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड ही है, ठीक है। इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है, गिप्सन, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये ब्राज़ील नहीं होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है क्वेश्चन दिया गया है इसमें अवरोही क्रम में बैठाना है इसको काफ़ी उत्पादन के लिए। तो सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राज़ील, फिर उसके बाद वियतनाम, फिर उसके बाद कोलंबिया, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर के बन जाने के बाद जो है भारत और यूरोप की मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी हो गई है? तो 7000 किलोमीटर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालय को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लेंगे तो कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद शिमला हो जाएगा, और लास्ट में आपका नई दिल्ली। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये जो है कि इसमें से कौन सही नहीं है ये देखना है, तो ठीक है। तो तीनों सही है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, काली का जो है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो मिट्टी है, तो ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो ये बहुत सी बार पूछा जा चुका है, भारत एवं चीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी की पंजे? तो मिसिसिपी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो ये जो है आपका जो है क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ रेट दोनों के लिए है, ठीक है। तो ए और बी सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, HDI, ठीक है, HDI सूचकांक कौन जो है कि मानव विकास सूचकांक, HDI कौन जो है होता है? तो UNDP द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? UNDP, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज जबर के किससे है? तो आय की विषमता से है, ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। और ये क्वेश्चन जो है आर्थिक दृष्टि सबसे ऊपर, लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे कम, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम होता है, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत के लिए लगाया जाता है, ठीक है, तो ये आप टैक्स ऑन लोकल फेयर, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसी स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार नहीं चुना गया, केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो गाजियाबाद, सी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय परिवार संरक्षण जो है इसका जो TFR रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 2016 में हमने पढ़ा था, 2016 के TFR रिपोर्ट आई है जो वो 2.3 था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया है 2.3, लेकिन इसमें बी ऑप्शन इसमें देखिए हो सकता है, और ए मतलब 2.3 हमने 2016 में पढ़ा था, जो 15-16 में 2.3 तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो देखिए 2.4 मानता है कि 2.2 माना जाता है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित कौन सी समिति गठित की गई है, ठीक है, तो ये हाशिम समिति होगा, ठीक है, हाशिम समिति। अगला क्वेश्चन है, इसमें तेंदुलकर समिति जो दिया गया है तो तेंदुलकर समिति नहीं होगा, क्योंकि हाशिम समिति की अगर बात करें तो इसमें अभी लेटेस्ट में भी जो है कि हाशिम समिति की एक रिपोर्ट आई है BPL परिवारों से संबंधित, 2015 में ये एक समिति गठित की गई हाशिम समिति की, तो वहाँ से ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो BPL परिवारों के लिए हाशिम समिति हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 तो 21.54, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना 1972 होगा, बी होगा इसका सही। और इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है, ठीक है, तो इसमें मानव जनित जो होगा तो ये क्रॉपलैंड होगा, फसली भूमि। अगला क्वेश्चन है, जानवर कौन सा ऐसा है कि जो सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है बिना पानी पिए? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, सॉरी सी ऑप्शन सही होगा, कंगारू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में है, ठीक है, तो ये गुजरात के जामनगर में है। अगला क्वेश्चन,
दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो हंगुल से है, ठीक है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन मृदा से संबंधित है? ठीक है, तो मृदा से संबंधित इडेफिक होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस निम्नलिखित किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता? तो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसमें अगर देखेंगे तो ये वनस्पतिक बाग इसमें सही हो सकता है, आपका बी आंसर। अगला क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, ओजोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनको पीस के, माने शांति के क्षेत्र में, ठीक है, शांति के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ओजोन परत, आप अभी तो पूछा ही गया ही इसी में ही कि ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर दिया है, तो सुमेलित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सिंपली सिंपली पाल, ये तो आप जानते ही हैं, उड़ीसा में है, तो ये मध्य प्रदेश ऑप्शन में दे दिया, तो ये गलत होगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमको डाउट में है, तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं इसका आंसर। विलियम रोएंटेजन आप जानते ही हैं, एक्सरे मशीन से संबंधित है। डीएनए द्विकुंडली हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक का है, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ठीक है, ऊर्जा अधिकतम एक्सरेज की होती है। मेथेन निम्न में से किससे निकाली या उत्सर्जित होती है? धान में और दीमक की बाम्बी, दोनों सही होगा, ठीक है, ये दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर कौन सा है? होगा आपका सिलिकॉन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये आपका आंसर ए सही होगा। इसमें एक ही जो है, मतलब कि न्याय का अगर देख लेंगे तो जो है न्याय वाले में तीन होता है, तो तीन सबसे पहले ए ही में दिया है, तो इस तरह से अगर जल्दी क्वेश्चन करना चाहेंगे तो ए तुरंत मार के हट जाइए आगे। चलिए, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो सुश्री मीरा कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति अरविंद पनगढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य? आंध्र प्रदेश, बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर, ठीक है, संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग, जो जो कि संविधानेतर है, पहले योजना आयोग करके ही ये कुछ इस क्वेश्चन को बनाया जाता था, उसमें ऑप्शन में योजना आयोग रहता था। सरकारिया आयोग, अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग जो है ये किससे संबंधित? केंद्र राज्य से संबंध है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है ग्रेट ब्रिटेन, यूके सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ठीक है, राज्यसभा का अनन्य अधिकार, ये क्वेश्चन डाउट में है, तो इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिना अनुमति के कितने संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य? तो ये 60 दिन, ठीक है, 2 महीने। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है कि अत्यधिक अल्पसंख्यक, कांग्रेस को जो है अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला किसने बताया था? लॉर्ड डफरिन, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ढींग एक्सप्रेस क्या है? हिमा दास का मुंह बोला नाम है, ठीक है,
इन्हीं इसी पे बनाया गया है। ढींग एक्सप्रेस जो है हिमा दास का मुंहबोला नाम से संबंधित बनाया गया है। मेरी कॉम को हाल ही में BSNL का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेक्शन 377 IPC, ठीक है, ए सही होगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, तो ये भारत और रूस से है। एंड्रेज इमैनुअल लोपेज ओब्राडोर 2018 में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो मैक्सिको के हैं। अगला क्वेश्चन है, पनामा पेपर्स के आधार पर अगर भ्रष्टाचार के लिए, अभी ये तो चर्चा इसमें काफ़ी था जो है इसका, तो ये पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री जो थे ये चर्चा में रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है, जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? तो ये असम, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2018 में किसके द्वारा सफ़र, ठीक है, तो ये जो है स्वास्थ्य जो हर्षवर्धन सिंह है हेल्थ के, वही है, ऑप्शन सी सही होगा। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जून 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता, ठीक है, तो इसमें मंगल होना चाहिए, डी ऑप्शन सही होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता ये सिंगापुर वार्ता में मुलाकात हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी देखिए हमको क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर ये मेरठ में है, ठीक है, ठीक है, जो है तो ये आलमगीरपुर और उसके बाद जो है हुल्लास, ये दोनों जो है आपका सही आंसर होगा, तो इस तरह से डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो ये नाना देसी जो है, ठीक है, सी से ही हो जाएगा। इस तरह से ये 150 क्वेश्चन जो है पूरे हो चुके हैं, जिसमें से हमको लगता है 8-10 क्वेश्चन हमारा डाउट में रहा है। यदि आपका उस वो आंसर क्लियर है तो आप ज़रूर इसमें दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है उसको ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हम कट ऑफ भी एक बना सकें और आप लोग भी जो है उस कट ऑफ को देख सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस जो है आप कमेंट करिएगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।